हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ के वी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स स्टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू अ मैथ्स चैप्टर ऑफ क्लास फोर्थ विच इज़ हाफ्स एंड क्वार्टर्स हाफ्स एंड क्वार्टर्स नाम है बट चैप्टर फ्रैक्शन से रिलेटेड है आपका इससे पहले मैं चैप्टर की छोटी सी जिस्ट आपको ज़रूर बता चुकी हूँ बिकॉज़ एक पी पी टी फॉर्म में मैं फॉर्मेट में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है लेकिन एन सी आर टी के सारे टॉपिक्स कवर नहीं हुए थे उसमें भी सो so, इस वीडियो में हम लोग एनसीआर टी को के चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे एनसीआर टी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे देन इसके बाद इसकी एक वर्कशीट की वीडियो आएगी एंड देन अ क्विज वीडियो ओके सो लेट्स स्टार्ट नाउ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो ओके हाफ्स एंड क्वार्टर्स कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया हाफ एंड क्वार्टर का अब तक चीजें कंप्लीट चल रही थी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नंबर्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिए थे अब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई जहाँ पर एक चीज़ के भी पार्ट होने लगे सपोज करिए आपके पास एक चपाती थी पूरी जो कि हम स्टोरी में पढ़ेंगे भी आपने उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट आपने रख लिया अब प्रॉब्लम ये आई कि ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहें क्योंकि ये वन तो नहीं है बिकॉज वन तो पूरी रोटी थी ये वाली अब इस पार्ट को क्या कहेंगे वहाँ से फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ वन एक चपाती होती दो होती तीन होती तो चल जाती हम लोग एक पास काउंटिंग थी उनको काउंट करने के लिए लेकिन जब पार्ट आने लगे चीज़ों के तो फिर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा जो कि स्टोरी से बहुत अच्छे से बताया हुआ है आपने शायद यह स्टोरी सुनी भी होगी मिंटू कैट एंड थे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे वन डे मालिनी के किचन से एक चपाती चुरा लेते हैं दोनों आई विल टेक इट कि नहीं ये तो मेरी है मैं लूंगा While they were जब वो लोग झगड़ा कर रहे थे there came T2 monkey. तो T2 monkey वहाँ पर आता है है, है? और कहता क्या वाई आर यू क्वारलिंग तुम आपस में झगड़ा क्यों कर रही हो ही चपाती बिटवीन अस ये एक चपाती को हम कैसे आपस में डिवाइड करें द कैच सेट ओके डोंट वरी वो कहता है जो मंकी है आपका टी टू मंकी कोई बात नहीं चिंता मत करो आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू मैं दोनों में इक्वली चपाती डिवाइड कर दूंगा ही सेड क्लेवर टी टू डिवाइडेड द चपाती लाइक दिस टी टू बहुत क्लेवर था तो उसने ऐसे चपाती डिवाइड की देखिए इस पीस को देखिए और इस पीस को देखिए क्लियरली हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि दिस पीस इज बिगर ये वाला जो पीस है ये बड़ा है इससे अब कैट तो ऐसे नहीं मानेंगी दिज आर नॉट इक्वल द लेफ्ट पार्ट इज़ बिगर ये पार्ट तो बड़ा है मिन्ड मो टू सेट ओ नो प्रॉब्लम अरे अरे कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है आई विल मेक इट इक्वल मैं अभी इसको बराबर कर देता हूँ टी टू सेट ही देन कट अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट पीस एंड एट इट इसमें से वो एक पार्ट काटता है और उसको खा लेता है अब देखिए चपाती कैसी हो गई अब उसने इधर से ज़्यादा खा लिया अब ये छोटी हो गई अब वो पूछता है नाओ इज इट इक्वल क्या अब ये बराबर है ओ नाओ द राइट वन इज़ बिगर अब ये वाला जो तुम्हारे राइट हैंड में ये बड़ा है द कैट क्राइड जो वो चिल्लाती है ओके आई एम सॉरी टी टू ही कट अ पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट फिर वो इसमें से एक पीस काटता है और खा लेता है देयर वर ओनली अ स्मॉल पीस रिमेनिंग जब बहुत छोटा सा ही पीस बचता है ही सेट दिस इज माई शेयर फॉर द वर्क ऐसे करके वो एक बार इसमें से खाया इसको छोटा कर दिया फिर उसमें से खाया उसको छोटा कर दिया और एंड में जब बहुत कम पीस बचता है तो वो कहता है कि ये तो मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है ये तो मेरा शेयर है ओके okay? टी टू देन क्विकली एट द लास्ट पीस जल्दी से लास्ट पीस खाता है क्लाइम द ट्रीज और ट्री पर चला जाता है तो क्या सीख मिलती है आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए झगड़ा है तो खुद ही सॉल्व कर लें उसको किसी भी किसी नहीं तो कोई थर्ड पर्सन बेनिफिट ले जाएगा और आपको लॉस ही होगा सिर्फ हाफ एंड हाफ इफ द कैट्स आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली अगर कैट आपको कहती चपाती इक्वली डिवाइड करने के लिए तो आप कैसे करते डेफिनेटली हम लोग दो इक्वल पार्ट्स उसके करते सो दैट झगड़ा सॉल्व हो जाए इस तरीके से इक्वल पार्ट में डिवाइड करते जैसा ये पार्ट है ऐसा ही ये पार्ट है सो दिस इज हाउ वी शुड डिवाइड इस तरीके से आपका डिवाइड होना चाहिए था चपाती को नाउ हाफ और इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं जब आप एक चीज के दो पार्ट करते हैं तो जो इसमें से ये पार्ट होता है इसको कहा जाता है हाफ हाफ मतलब आधा और हाफ आप तभी कहेंगे जब पार्ट्स इक्वल होंगे अगर आप टी मंकी की तरह किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं जैसे यहाँ पर आप इस पार्ट को हाफ़ नहीं कह सकते ना ही आप इस पार्ट को हाफ कह सकते हैं बिकॉज चीज़ें यहाँ पर जो चपाती थी वो इक्वली डिवाइड नहीं है कहने का मतलब ये है कि जो आपका फ्रैक्शनल टॉपिक है फ्रैक्शन का या फिर हाफ्स या क्वार्टर्स का जो टॉपिक है ये सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब थिंग्स आर इक्वली डिवाइड चीज़ों को बराबर बांटा जाए हाफ़ ऑफ हाफ अब आधे का आधा क्या होता है इफ़ टू मोर कैट्स कम फॉर फूड अगर दो कैट्स और आ जाती है हाउ विल यू डिवाइड इक्वली द मॉल आप उनको कैसे डिवाइड करेंगे अब ये जो हैं आपने दो पार्ट में की थी अब इसको भी हाफ कर दीजिए इसको भी हाफ कर दीजिए तो ये जो पार्ट है अब नाउ दिस पार्ट हाफ ऑफ हाफ इज नोन एज क्वार्टर अगर आप आधे का भी आधा कर देते हैं तो वो जो पार्ट है उसको आप लोग क्वार्टर बोलते हैं इच ओफ्ट गोट ए क्वार्टर ऑफ द चपाती हर किसी को क्वार्टर चपाती मिलेगी यू आर ए गुड डिवाइडर और तुम्हें अच्छी डिवाइडर हो दिस कैट इज सेन हाफ ऑफ मेनी पीसेस अब यहाँ पर तो एक चपाती थी आपने उसके चार पार्ट्स कर दिए अब अगर बहुत सारे पीसेस हैं किसी चीज़ में रानी गॉट एड चॉकलेट रानी को एक चॉकलेट मिली है शी डिवाइडेड इक्वली एंड गिव हाफ टू आवर फ्रेंड रीना अब रीना को उसने आधा दे दिया सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट उस पोर्शन को सर्कल करिए जो रीना को मिला अब चॉकलेट में देखिए कितने पीसीज हैं देर आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स पीसीज हैं सिक्स का हाफ कितना होता है थ्री तो दैट मीन्स थ्री पार्ट्स रीना खुद के पास रखेगी थ्री अपनी फ्रेंड को देगी तो आपके आपके कितने पार्ट सर्कल होंगे वन ये रीना के पास जाएगा ये रीना के पास जाएगा और ये रीना के पास जाएगा ये जो तीन पार्ट्स हैं आपके ऊपर के ये तीन पार्ट्स उसके पास रहेंगे और तीन पार्ट्स उसकी फ्रेंड के पास जाएंगे ओके नेक्स्ट इज हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉकलेट आर देयर कितने पीसेज थे तो सिक्स पीसेस थे हाउ मेनी पीसेज वर लेफ्ट विद रानी रानी के पास कितने पीसेज बचे थ्री बिकॉज थ्री उसने रीना को दे दिए हाँ 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 हाफ अ चॉकलेट इज एज टेस्टी एज द होल चॉकलेट शेयरिंग बताइए शेयर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा बिकॉज हाफ चॉकलेट भी उतनी टेस्टी होगी जितनी आपको फुल जो है वो खाने पर जो टेस्ट मिलता मैनी शेप फ्रॉम अ हाफ शीट एक शीट से आप कितने तरीके की हाफ uh, शीट से कितनी शेप्स बना सकते हैं टेक अ पीस ऑफ पेपर ये आपके लिए एक्टिविटी है पीस ऑफ पेपर लीजिए कट द शीट इंटू टू इक्वल ट्रांगल सो दैट ईच ट्रांगल इज इक्वल टू हाफ द शीट उसके बाद पूरी शीट को दो इक्वल ट्रांगल में ऐसे डिवाइड कर लीजिए शेड द टू ट्रांगल्स विद डिफरेंट कलर्स अलग अलग कलर से दोनों ट्रांगल को शेड कर दीजिए उसके बाद डिफरेंट शेप्स आपको बनानी है उन दोनों ट्रांगल को यूज़ करके जैसे यहाँ पर इन्होंने बनाया है एक ट्रैंगल को ऐसे रखा एक को ऐसे आप ऐसे भी रख सकते हैं एक ट्रांगल को ऐसे रखिए एक को ऐसे रखिए है ना आप और कोई शेप अगर बनाना चाहे एक को ऐसे रख के एक को ऐसे रख के आप एक और शेप बना सकते हैं एनीथिंग थिंग विच यू लाइक जैसे भी आप करें ये आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखानी है अपनी मेनी वेज टू कट इन टू हाफ हाफ करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ओके okay? तो वो आप लोगों को यहाँ पर बताए हुए हैं जैसे आई हैव मेड दिस रेक्टेंगल इंटू टू इक्वल पार्ट्स लाइक दिस मैंने इस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया है बच्चे ने क्या किया इसने देखिए ये पूरा ट्राइंगल था अब दो पार्ट्स हैं दिस पार्ट एंड दिस पार्ट और आप देख लीजिए कि दोनों ही पार्ट्स क्या है इक्वली डिवाइडेड है ओके ईच वी राइट इट एज वन बाई टू यस दिस इज समथिंग न्यू नाउ जब आप किसी चीज के दो पार्ट करते हैं एक पार्ट को हम लोग हाफ कहते हैं हाफ कहते हैं लैंग्वेज में मैथ्स में कैसे लिखते हैं उसको मैथ्स में हम लिखते हैं हाफ को ऐसे वन और नीचे ये आपका एक लाइन होती है स्लीपिंग लाइन हॉरिजोटल लाइन और नीचे टू लिखा जाता है ओके okay? ये फ्रैक्शन में लिखा जाता है इसको मैथ्स में इस तरीके से लिखा जाता है इसका मतलब है वन आउट ऑफ टू जैसे आपको टीचर मार्क्स भी देती है ना स्कूल में आपके मार्क्स सपोज करिए आउट आउट ऑफ ऑफ आए तो five out of ten, दस में से पूरे दस थे आपको पांच मार्क्स मिले हैं तो हाफ का मतलब है टू पार्ट से टोटल आपको वन पार्ट मिला है एक पूरी चपाती की आपने दो पार्ट एंड यू गॉट वन पार्ट ओके चलिए अब आपको यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं आपको इन रेक्टेंगल को डिवाइड करना है लेकिन ध्यान रखें अलग अलग तरीके से डिवाइड होने चाहिए और सभी पार्ट्स हाफ होने चाहिए तो किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे दैट यू हैव टू राइट ईयर तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं जस्ट अ मिनट आप एक तो ऐसे डिवाइड कर दीजिए हाफ हाफ ऊपर हाफ नीचे हाफ़ नीचे एक ऐसे डिवाइड कर दीजिए सेंटर से लेना थोड़ा सा इसको ऐसे ओके okay? एक आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं हाफ इसको एक आप ऐसे हो चुका है ये डिवाइड कर सकते हैं हाफ इसको ओके एंड दी अदर कोई अगर कोई और आपको इंटरेस्टिंग तरीका पता है हाफ़ करने का दैट ऑल्सो यू कैन डू सो दिस इज़ हाउ यू शुड डिवाइड अ एट इन हाफ़ इस तरीके से भी आप हाफ हाफ कर सकते हैं इसको ओके okay, सो so बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हाफ करने के किसी भी uh, चीज़ को कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल यस ऑफकोर्स वी कैन हाउ मेनी मैनी वेज़ टू मेक क्वार्टर्स अब क्वार्टर को बनाने के क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं जैसे एक बच्चे ने क्या किया एक पूरी चीज़ थी इसको पहले हाफ़ किया ऐसे और उसके बाद बाकी हाफ़ किया ऐसे तो इस तरीके से ये पार्ट वन फोर्थ है ये पार्ट वन फोर्थ है वन फोर्थ वन फोर्थ चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया अब आपको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इन चीज़ों को अलग अलग तरीकों से तो कैसे करेंगे हम लोग एक तो ये कर सकते हैं वन टू थ्री फोर चार पार्ट में ऐसे डिवाइड वन टू थ्री फोर फोर पार्ट्स में ऐसे डिवाइड एक आप ऐसे कर सकते हैं वन ओके okay? इस तरीके से चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा देखिए वन पार्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट और चारों पार्ट्स इक्वल होंगे आप चाहे तो देख सकते हैं नेक्स्ट इज़ नेक्स्ट एक तरीका ये हो सकता है ये चार पार्ट्स होंगे आपके वन टू थ्री एंड फोर और चारों पार्ट्स इक्वल होंगे यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं एक तरीका आपका ये हो सकता है ऐसे हाफ़ करिए और उसके बाद इस तरीके से हाफ कर दीजिए इसको ओ दिस इज़ द सेम वन ओके हाफ़ किया आपने वेट अ मिनट ये तरीका हो सकता है आपका ऐसे आपने हाफ किया एंड ऐसे आपने हाफ़ किया तो इस तरीके से भी आपके चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे ओके सो दैट इज हाउ यू शुड डिवाइड एक चीज़ को आप बहुत तरीके से क्वार्टर्स एंड हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं नाउ कटिंग द केक अब केक कटने की के एक एक्टिविटी है रजनीज़ फादर बॉट अ केक रजनी के फादर एक केक खरीद के लाते हैं शी डिवाइडेड द केक इंटू फोर इक्वल पार्ट्स वो चार पार्ट में उसको डिवाइड करती है एक अपने लिए एक भाई अपने ब्रदर राजू के लिए एक फादर और एक मदर के लिए कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर्स हर किसी के शेयर को अलग अलग कलर से आपको शेयर करना है तो रजनी का कलर रजनी के जो पार्ट है उसको ऐसे कलर कर दीजिए फादर का ये पार्ट है सपोज करिए राजू का ये पार्ट है सपोज करिए और मदर का ये पार्ट है तो चारों के चारों पार्ट्स को अलग अलग कलर से आपको शेड कर देना है यहाँ पर हाउ मच डज ईच गेट हर किसी को कितना पार्ट मिला तो हर किसी को मिला एक क्वार्टर बिकॉज सबको हाफ का हाफ पार्ट मिला है मदर गेव शेयर टू ऑफ केक टू रजनी मदर अपना शेयर जो है वो रजनी को दे देती है नाउ कलर द टोटल पार्ट ऑफ रजनी अब रजनी का कलर जो पार्ट है उसको कलर करिए तो देखिए रजनी के पास पहले ये था अब नाउ मदर का ये था मदर ने उसको अपना दे दिया तो अब रजनी का ये हो गया तो रजनी के पास अब कितना हो गया वन फोर्थ अपना वन फोर्थ मदर का दैट मीन्स नाउ आउट ऑफ फोर रजनी के पास कितने पार्ट हैं टू तो हम लिखेंगे टू आउट ऑफ फोर या फिर हाफ पार्ट है उसके पास देखिए पूरे केक का हाफ पार्ट रजनी के पास है तो कहने का मतलब है कि अगर टू क्वार्टर्स मिल जाए आपके टू क्वार्टर्स इक्वल टू हाफ बनाते हैं इज इक्वल्स टू हाफ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पहले तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाफ का हाफ क्या होता है क्वार्टर और हाउ मेनी क्वार्टर्स मेक्स अ हाफ टू क्वार्टर्स मेक्स अ हाफ बिफोर रजनीज मदर गेव हर शेयर टू रजनी शी हैड ओनली हाफ ऑफ हाफ ऑफ द केक विच इज वन फोर्थ ऑफ द टोटल केक ये तो हमें पता है रजनी को देने से पहले उसकी मदर के पास वन फोर्थ था कलर द शेयर ऑफ राजू गॉड राजू को कितना मिला राजू के पास तो अभी इतना ही है तो राजू का शेयर यही है राजू का शेयर वन फोर्थ है हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट दोनों मिला के अगर हम देखें तो रजनी रजनी और राजू को टोटल कितना शेयर मिला है तो देखिए ये रजनी का शेयर है इतना क्योंकि उनकी मदर ने उसको दे दिया है और ये राजू का शेयर है इतना तो आप इन तीनों को अच्छे से कलर कर देंगे तीन पार्ट्स हैं उनके पास ये फादर का शेयर सिर्फ रह गया हमारा इधर अब उन दोनों के पास मिला के टोटल कितना शेयर है उन दोनों के पास है थ्री आउट ऑफ फोर

सो आई थिंक अभी हम लोग इतना ही रखते हैं इसको बिकॉज बहुत लेंदी वीडियो नहीं बनाते सेकेंड पार्ट में इसका जो रिमेनिंग चैप्टर है दैट वी विल कवर